तो टू कॉलम कैश बुक ना, उसमें से हम लोग कैश बुक में सिंपल कैश बुक कर रहे हैं। नहीं, सिंपल कैश बुक के लिए अलग से कुछ। अच्छा देखो, सिंपल कैश बुक ना, क्वेश्चन टू, पेज नंबर 125, टेक्स्ट बुक, ठीक है। क्वेश्चन टू देखो अभी क्या है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल कैश बुक ऑफ मैसर्स सौरभ ट्रेडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स सौरभ ट्रेडर्स। अच्छा मैसर्स का मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे देखो बॉयज के लिए क्या लगाते हैं, मिस्टर्स, और लड़कियों के लिए क्या, मिस, और पत्नियों के लिए है ना, जो भी मिसेस वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से कंपनी भी क्या, पर्सनल अकाउंट है ना, कंपनी पे भी केस कर सकते हो, तो इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसर्स। इसका फुल फॉर्म है एम, ठीक है, मैसर्स। सबसे ईयर क्या है, 2019 जुलाई, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो एक तारीख स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का क्या है, जनरलिटी क्या होता है, मुझे बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है, स्टार्टेड बिजनेस, वी आर बिजनेस, ठीक है, तो हमारे हम स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो हमारे अंदर पैसा आ रहा है, तो रिसीव साइड में आएगा, कौन दे रहा है, मालिक, तो मालिक को क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, कितना, यहाँ पे आएगा 1 लाख, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस या फिर बिजनेस स्टार्टेड, एक ही चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिपोजिटेड कैश इन टू बैंक, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, ऑब्वियसली जा रहा है, ठीक है, पेमेंट साइड में आएगा, कितनी तारीख है, 3 तारीख, बाय बैंक अकाउंट, कितना डिपोजिट किया हमने, 80,000, बीइंग कैश deposited into bank, 5 तारीख, purchase stationery for cash 2000, stationery purchase करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा जाएगा यानी payment side, buy stationery account, कितना amount है, 2000, being stationary purchase. Next, cash purchase 15,000, buy purchase account 15, being गुड्स परचेज या फिर कैश परचेज, बोली चलेगा क्योंकि परचेज वर्ड क्या के लिए यूज करते हैं, ऑलवेज गुड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अगर अकाउंट परचेज का लिखेंगे। अगला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट, तो हमने गुड्स तो बेचा है, बेचा होगा तो क्या करेंगे, पैसा आएगा ही जाएगा, आएगा, सेल किया ना, तो आठ क्या लिखोगे, बाय वेरी गुड, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, 20,000 का हमने माल बेचा, ठीक है, उसमें हमने डिस्काउंट कितना दिया, 8% क्या दिया, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का 8% कितना होएगा, 8/100, 2 0 कैंसिल, 1600, 1600 यहाँ से माइनस कर दो,
जिस अमाउंट पे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट मारते हैं उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? ग्रॉस। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं? नेट। तो 20,000 में से 1600 गया तो कितना बचेगा? 18,400। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो क्या रिकॉर्ड करते हैं? खाली नेट, है ना। तो 18,400। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 20,000 एट द रेट 8% ठीक है। फिर अगला क्या है? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। तब देखो लाइफ इंश्योरेंस पे क्या होता है तो ड्राइंग हो जाता है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम है तो अपने लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। 10 तारीख बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितना अमाउंट है? 5,000। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नेक्स्ट पेड कैश टू दीक्षित। दीक्षित कोई बंदा है उसको हमने क्या किया? कैश पे किया। तो कैश हमारा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो कौन सी साइड में आएगा? पेमेंट साइड में। 12 तारीख बाय दीक्षित ठीक है अकाउंट कितना पे किया उसको? 10,000। नरेशन में क्या आएगा? पेड टू दीक्षित। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना ठीक है 15। रिसीव्ड है इसके लिए रिसीव्ड में आएगा टू सक्सेना अकाउंट कितना अमाउंट है? 80,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। कहाँ से रिसीव हुआ? सक्सेना से। तो नरेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। रिसीव्ड कमीशन। कमीशन आपको मिला, कमीशन आपके लिए क्या होता है? इनकम अगर मिला तो टू कमीशन अकाउंट अमाउंट कितना है? 2,000 बी कमीशन रिसीव। नेक्स्ट ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज। ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज यानी क्या होता है? पर्सनल यूज। और पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग ठीक है। तो घर के लिए पैसे विड्रॉ किए इसने, इसका मतलब ये है 18। तो पैसे जा रहे हैं भाई, क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट। कितना विड्रॉ किया उसने? 4,000 बी ड्यू फॉर डोमेस्टिक। फिर नेक्स्ट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। हमने ओल्ड फर्नीचर बेचा तो बेचा तो सेल्स आएगा या फर्नीचर आएगा? सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट किसके टाइम पर हम रिकॉर्ड करते हैं? ओनली फॉर गुड्स। ये गुड्स है या फर्नीचर है? फर्नीचर। तो सेल्स वर्ड यूज करोगे या फर्नीचर वर्ड यूज करोगे? फर्नीचर वर्ड यूज करोगे। सेल किया तो पैसे आएंगे कि जाएंगे? आएंगे। तो रिसीप्ट है टू फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट कितना अमाउंट है? 5,000 बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड।
ठीक है. नेक्स्ट, पेड सैलरी टू राम. राम को सैलरी दिया तो राम आएगा या सैलरी आएगा? सैलरी आएगा. बाय सैलरी अकाउंट कितना पे किया? बीइंग सैलरी पेड टू राम. रिसीव्ड इंटरेस्ट 4000. रिसीव किया यानी पैसे आ रहे कि जा रहे? आ रहे. ठीक है, कितनी तारीख है? 30. क्या रिसीव किया? इंटरेस्ट कितना? 4000. इंटरेस्ट रिसीव्ड. ठीक है, समझ में आया? सारे ट्रांजेक्शन हो गए. अब हम लोग क्या करेंगे? टोटलिंग करेंगे. ठीक है, डेबिट का टोटल कितना हो रहा है? 400. 8 और 2 10 5 15 6 19. कितना कैरी करोगे? एक और एक दो. दो और आठ कितना होता है? 10 10 का 0. एक कैरी क्या? एक और एक दो. तो 209400. यहाँ पे भी कितना आएगा? 209400. अब डेबिट का टोटल दे दो पहले. सॉरी, क्रेडिट का. ठीक है, 2 और 5 7 और 5 12 12 और 4 कितना होता है? 12 16 16 6 22. कितना कैरी करोगे? 2 8 और 2 10 10 और 1 11 और 1 12. तो 122000 आपका एक्सपेंस हुआ है. एक बार ऑफिस से चेक कर लेते हैं. 0 0 0 और 2 और 5 7 और 5 12 4 16 16 और 6 22. 2 के लिए क्या 10 और 11 और 1 12 बराबर. तो 209400 माइनस कर लो. 9 माइनस 2 7 10 माइनस 2 10 और 10 माइनस 2 8. 1 कैरी किया था तो 1 माइनस 1 0. तो 87400. दिस इज व्हाट बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, कौन सा महीना? जुलाई. जुलाई का खत्म होता है 31st. यहाँ पे क्या आएगा? 31st बाय कैरिड डाउन. ठीक है, फिर ब्रॉट डाउन यहाँ पे होगा अपोजिट साइड पे. ईयर अगला क्या होगा? 2019 अगस्त फर्स्ट. क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना? 87000. समझे? कल हम लोग करेंगे डबल कॉलम कैश फ्लो. ठीक है.